नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए यदि आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस में। और इस भर्ती में जहाँ तक पोस्ट यानी कि पद की बात है तो इसमें क्लास 4th यानी कि P1 की भर्ती होनी जा रही है, और इसके अलावा प्रोसेस सर्वर की भर्ती होनी जा रही है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 8वीं पास यानी कि मिडिल स्टैंडर्ड या 10वीं पास यानी कि मैट्रिकुलेशन। इस भर्ती में एज लिमिट होनी चाहिए कैंडिडेट की 18 साल से 35 साल एज ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 के हिसाब से आपकी इसकी गणना की जाएगी दोस्तों। और इस भर्ती में जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको पे स्केल मिलेगा 4,900 से लेके 10,680 प्लस आपको ग्रेड पे मिलेगा 1,650 रुपये। और इसके अलावा दोस्तों, आपको जो सेकेंड पे स्केल है प्रोसेस सर्वर का हुआ है दोस्तों 4,900 से लेके 10,680 प्लस ग्रेड पे 1,800 रुपये। दोस्तों, इस भर्ती में कोई फीस नहीं है, और इस भर्ती की लास्ट डेट है 10 सितंबर 2020। इस भर्ती में टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना। दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, ये सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है यानी कि प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना है। इसके लिए दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें 11 पॉइंट है, ये सारा 11 पॉइंट आपको भर के भेजना है। और आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं पहली वैकेंसी है दोस्तों क्लास 4th की यानी कि P1 की, और इसमें टोटल वैकेंसी है 22। आपका पे स्केल होगा दोस्तों 4,900 से लेके 10,680 प्लस ग्रेड पे होगा 1,650। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की मिडिल स्टैंडर्ड। इसमें दोस्तों 18 साल से 35 साल तक की एज लिमिट है, आपकी एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2020 के हिसाब से। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों प्रोसेस सर्वर की, इसमें 8 वैकेंसी है, और आपको पे मिलेगा 4,900 से लेके 10,680 प्लस ग्रेड पे 1,800 रुपये। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास, और एज होनी चाहिए 18 साल से 35 साल। इसके लिए भी दोस्तों क्रूशल डेट है 1 जनवरी 2020। और दोस्तों, इस भर्ती की लास्ट डेट है 10 सितंबर 2020। आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या पेपर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 1 से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती के लोकेशन की बात है तो इसका लोकेशन है अमृतसर यानी कि पंजाब। तो दोस्तों, ये था सब डिटेल इस भर्ती का, और इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।